हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द ओरल निवाई और ओरल पिगमेंटेड निवाई। तो ओरल पिगमेंटेड निवाई क्या रहती है, इसके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ओरल टाइप कितने होते हैं, हिस्टोलॉजिकल टाइप कितने होते हैं, डिफरेंस क्या रहता है न्यूवस सेल्स में और मेलनोसाइट्स में, रेशियो कितना रहता है न्यूवस सेल्स मेलनोसाइट्स का, केटनोसाइट्स का। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या रहते हैं इसके, उसके बाद में हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, मोस्ट कॉमन निवाई कौन सी है, इंट्राओरली कौन सी है। ठीक है, तो ये ब्रीफ पढ़ेंगे। कभी कभी इस पे 5 मार्कर आता है, कभी कभी 10 मार्कर भी पूछ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट पीजी में एमडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो ओरल निवाई, ओरल निवाई क्या रहता है, हमाटोमा होता है। हमाटोमा, तो हमने पहले हमाटोमा के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। क्या आता है, ट्यूमर लाइक प्रोलिफरेशन रहता है जो नेटिव टू दैट प्लेस रहता है। ठीक है, वैसे ही रहता है, उसी एरिया में रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमाटोमा। मतलब ओरल निवाई क्या रहता है, जिस एरिया में रहता है वहाँ पे न्यूवस सेल्स रहती हैं, उसी के प्रोलिफरेशन की वजह से उसी एरिया में की जो न्यूवस सेल्स है उसकी वजह से ये होता है, ये इसका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनोजेनिक ट्यूमर हैं, ऐसी हैं जिनको हम हमाटोमा बोलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। कोई भी 4 ऑप्शन दे के तुम्हें एग्जाम में पूछ सकता है कि हमाटोमा कौन सा है। ठीक है, कोलियोस्टोमा कौन सा है, टेरेटोमा कौन सा है, ठीक है, न्यूप्लाज्म कौन सा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि डेंटिस्ट्री में और ओरल पैथोलॉजी में हम कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनोजेनिक ट्यूमर देखते हैं जो हम मानते हैं कि दीज आर द हमाटोमास। पहला है ओडोनटोम, ठीक है, दूसरा है एओटी, एओटी मतलब एडनोमेटोइड ऑर्गेनोजेनिक ट्यूमर। एक चीज़ याद रखो, जो ये ट्यूमर है उसको 2/3 ट्यूमर भी बोलते हैं, याद रखना है, 2/3 ट्यूमर बोलते हैं इसको। 2/3 ट्यूमर क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि 2/3 जितनी भी ट्यूमर होती हैं उसका 2/3 मैक्सिला में होता है। ठीक है, मैक्सिला में भी कहाँ, एंटीरियर रीजन, वो भी कहाँ है, 2/3 ऑफ केनाइन रीजन, केनाइन रीजन होता है। और जितनी भी ट्यूमर होती हैं उसका 2/3 रहता है जिसमें फीमेल में होता है, फीमेल जेंडर में, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2/3 ट्यूमर। नेक्स्ट है तीसरा, एमिलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटोम एंड एमिलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटिनोमा, ये भी क्या है, हमाटोमा। ओरल निवाई हम पढ़ रहे हैं कि ये हमाटोमा है। ओरल मेलनोटिक मैक्यूल, ये भी हमाटोमा है। जितने भी हिमेंजियोमा और लिम्फेंजियोमा है उसको भी अपन कंसिडर करेंगे एज ए हमाटोमा। ग्रैनुलर सेल ट्यूमर ऑफ टंग, ये भी एक हमाटोमा है। कंजेनाइटल इप्लिस, इसको भी हम हमाटोमा बोलेंगे। कंजेनाइटल इप्लिस का दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं, याद रखना, न्यूमैन्स ट्यूमर, इसका दूसरा नाम है न्यूमैन्स ट्यूमर। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि न्यूमैन्स ट्यूमर किसको बोलते हैं। ठीक है, एमडीएस में पूछ लेते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूमैन्स ट्यूमर किसको बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल इप्लिस ऑफ न्यू बोन को बोलते हैं। जिंजाइल फाइब्रोमेटोसिस है, उनको भी एज ए कंसिडर करते हैं हमाटोमास। जितने भी टोराई हैं, टोराई और एग्जोस्टोसिस, एग्जोस्टोसिस वो भी हमाटोमा है। प्लीज़ याद रखना, जिस भी पेशेंट के अंदर, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर एग्जोस्टोसिस ज़्यादा होते हैं उसमें याद रखना उन लोगों में ओस्टियोसार्कोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओस्टियोसार्कोमा, ये याद रखना, ओस्टियोसार्कोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उन लोगों में। ठीक है, मतलब मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं, एब्सेंट पर्ल और बॉन्स नोड्यूल। ठीक है, तो ये नोड्यूल रहती है माइनस सलाइवरी ग्लैंड की, तो ये याद रखना एब्सेंट पर्ल होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है, पूछते हैं लोकेशन क्या होती है, तो जो मिड प्लेटाइन रेफे होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मिड प्लेटाइन रेफे, मिड प्लेटाइन रेफे। और जो बोहेम्स नोड्यूल रहती है वो रहता है जंक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पेरिट। तो बोहेम्स नोड्यूल याद रखना, BJP एक ये रहता है, BJP का निमोनिक है इसका, बोहम्स नोड्यूल एट द जंक्शन ऑफ द पैलेट, यानी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पे रहता है। ठीक है,
तो ये रहेगा, हो गया कि कितने टाइप के, कितने जो लीजन हैं जिनको हम हमाटोमा बोलते हैं इन डेंटिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक ट्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर नेम। ये अदर नेम है, कभी कभी अदर नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ओरल निवाई, ओरल निवस, ठीक है, इनका दूसरा नाम है ओरल मेलेनोसाइटिक निवस भी बोलते हैं इसको, न्यूसेलर निवस भी बोलते हैं, म्यूकोजल मेलनोटिक निवस भी बोलते हैं। ये सब सेफर में दिया हुआ है, ये तीन अदर नेम है इसके निवस के। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, नीट एमडीएस में पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं। ब्राफ जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से जो कंजेनाइटल निवस होती है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, निवस के टाइप भी पढ़ेंगे अपन। तो ये है निवस। निवस को दो क्लासिफिकेशन है, एक तो है ओरिजिन के बेसिस पे कंजेनाइटल निवस, दूसरा एक्वायर्ड निवस। कंजेनाइटल को फिर दो में डिवाइड किया, स्मॉल निवस एंड गारमेंट निवस। ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हिस्टोलॉजी हम देखते हैं उसके बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे जंक्शनल निवस, कंपाउंड निवस और इंटरडर्मल निवस। ठीक है, जो कॉमन मोल होता है स्किन पे अपने को दिखता है वो इंटरडर्मल निवस होता है। ठीक है, और इंटरडर्मल निवस को ही वैसे ही सेम हिस्टोलॉजिकल फीचर अगर इंट्रा ओरली अपने को दिख रहे हैं, ओरल कैविटी के अंदर अगर अपने को दिख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इंट्रा म्यूकोजल निवस। जहाँ इंट्राडर्मल बोलते हैं स्किन पे, उसको इंट्रा म्यूकोजल निवस बोलते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर निवस रेयर है, बट वी कैन सी द निवस इन ओरल कैविटी। ठीक है, तो जंक्शनल निवस में क्या रहता है, जो निवस सेल्स रहती हैं वो बेसल, जो बेसल लेयर रहती है एपिथीलियम की, उसके अंदर दिखती हैं, वहीं पे कन्फाइंड रहती हैं। कंपाउंड निवस में क्या रहता है, बेसल लेयर के अंदर दिखती हैं और कुछ पार्ट ऑफ द निवस सेल वो दिखता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अपन हिस्टोलॉजी देखेंगे, प्रॉपर हिस्टोलॉजी देखेंगे इसकी, वो रहता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सम पार्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड निवस। कंपाउंड निवस में भी मोस्टली दो निवस आते हैं, वो याद रखना, एक स्पिट्स निवस और एपिथीलियोइड निवस, वो भी आते हैं इसके अंदर एपिथीलियोइड। याद रखना, नाम याद रखना, स्पिट्स निवस और एपिथीलियोइड निवस। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं, हाँ, इसके अंदर अपन ने दो देखा था, स्मॉल न्यूस और गारमेंट न्यूस। जो स्मॉल न्यूस रहता है, स्मॉल न्यूस क्यों बोलते हैं उसको, कि उसकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, बट 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच ही होती है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, और गारमेंट न्यूस और जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है या उससे बड़ा होता है। तो जो लार्ज स्किन एरिया होता है उसको इन्वॉल्व करता है, लार्ज स्किन एरिया को इन्वॉल्व करता है ये। ठीक है, ये याद रखना, जितना लार्ज स्किन एरिया को। और इसका जो क्लिनिकल फीचर क्या रहता है, कैसा दिखता है ये, फ्लैट पेल टेन मैक्यूल जैसा दिखता है। ठीक है, फ्लैट, ये भी देखेंगे फोटोग्राफ में, देखेंगे अपन कैसा दिखता है ये, पर बेसिकली ये ऐसा दिखता है फ्लैट। और ये कहाँ पे भी हो सकता है, बटक्स पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, हेड एंड नेक रीजन में हो सकता है। ठीक है, और ओरल कैविटी के अंदर हो सकता है। तो ओरल कैविटी के अपन देखेंगे कहाँ पे, ओरल कैविटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो ये है मोस्ट कॉमन टाइप, कौन सा रहता है निवस ओरल कैविटी के अंदर, हेड एंड नेक रीजन में मोस्ट कॉमन रहता है इंट्रा म्यूकोजल निवस, और सेकेंड मोस्ट कॉमन है ब्लू निवस और ब्लू निवाई। याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द निवाई। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरल सेल्स रहती हैं उनका जो डेवलपमेंट रहता है वो कहाँ से होता है, न्यूरल क्लेस सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं अपने को एग्जाम में और वाइवा में पूछ सकते हैं। तो न्यूरल क्लेस सेल्स जो रहती हैं उनसे न्यूरल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, अभी अपने को लगता है कि न्यूरल सेल्स और जो मेलनोसाइटिक सेल्स हैं दोनों सेम दिखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकली अपन देखेंगे दोनों लगभग सेम ही दिखती हैं, बट डिफरेंस क्या रहता है न्यूरल सेल में और जो मेलेनोसाइट्स रहती हैं, मेलेनोसाइट्स, उनके बीच क्या डिफरेंस रहता है। दोनों टोटली डिफरेंट एंटिटी हैं। ठीक है, पहला क्या है, जो मेलेनोसाइट्स हैं उनमें डेंड्राइट रहते हैं, वो ऐसी सेल्स रहती हैं, ऐसी मतलब ऐसे बहुत सारे डेंड्राइटिक प्रोसेस रहते हैं ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये, पर ऐसा डेंड्राइटिक प्रोसेस दिखते हैं, न्यूरल सेल्स के अंदर डेंड्राइटिक प्रोसेस नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूरल सेल है ना, उसके अंदर रिटेन
रिटेन मेलेनोसोम, मेलेनोसोम जो मेलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस करते हैं, मेलेनोसोम, मेलेनोसोम लिखते हैं, रिटेन मतलब सेल के अंदर ही रहते हैं मेलेनोसोम, यहाँ पे मेलेनोसाइट्स रहती हैं, उसके अंदर क्या दिखता है, जो मेलेनोसोम जो रहते हैं मेलेनोसाइट्स के अंदर, मेलेनोसोम वो क्या रहते हैं, वो इनको ट्रांसफ़र कर देती है केरेटिनोसाइट्स को, ठीक है, याद रखना। ये एक दो दो डिफरेंस हो गए इनके बीच में। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो ये है ना, ये थिकस बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं, थिकस ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, यहाँ थिकस का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनके बीच में डिफरेंस, यहाँ पे तीन टाइप की रहती हैं, ये न्यूस सेल्स जो रहती हैं तीन टाइप की रहती हैं, थ्री टाइप्स, ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो टाइप ए रहती हैं वो एपिथेलियोइड टाइप की रहती हैं, एपिथेलियोइड, तो एपिथेलियोइड टाइप की रहती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट, सुपरफिशियल जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। दूसरा रहती है लिम्फोसाइट, लिम्फोइड और लिम्फोसाइटिक लाइक, ठीक है, लिम्फोइड, लिम्फोइड और लिम्फोसाइटिक, ये किस में रहती है, मिडल पोर्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में रहती है, मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन, और ये रहती हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, सुपरफिशियल ये मिडल पोर्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और तीसरा रहता है नर्व लाइक सेल्स, ठीक है, ये रहते हैं और न्यूरोटाइज्ड सेल्स बोलते हैं, नर्व लाइक सेल्स और न्यूरोटाइज्ड, न्यूरोटाइज्ड ये किसके अंदर रहती हैं, ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डीपर कनेक्टिव टिश्यू में रहती हैं, ठीक है। तो एपिथेलियोइड रहती हैं वो सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड रहती हैं मिडिल कनेक्टिव टिश्यू, और डीपर कनेक्टिव टिश्यू में नर्व, याद रखना नर्व रहती हैं वो डीपर में रहती हैं, लिम्फोइड मिडिल में रहती हैं, और एपिथेलियल सेल्स अगर आती हैं कनेक्टेड अपनी एपिथेलियम से कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं तो वो एपिथेलियल सेल्स रहती हैं, तो वो सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन द न्यूस सेल्स एंड मेलेनोसाइट्स। अब एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट और केरेटिनोसाइट है, केरेटिनोसाइट इनका रेशियो क्या रहता है एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। तो जो रेशियो रहता है एक केरेटिनोसाइट के साथ एक मेलेनोसाइट के साथ 10 केरेटिनोसाइट्स रहते हैं, 10:1:10 का रेशियो रहता है, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, ठीक है। अगर कभी कभी ऑप्शन नहीं होता 1:10 तो 1:16 ऑप्शन दिया होता है, एग्जाम में पूछा गया नहीं टीएमडीएस एग्जाम में, तो 1:16 करना पड़ता है, वाई वाई पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:10 का रेशियो होता है, ठीक है। मेलेनोसाइट टू केरेटिनोसाइट जो रेशियो रहता है वो 1:10, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1:16 कई बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जंक्शनल न्यूस क्या रहता है, जंक्शनल न्यूस, तो जंक्शनल न्यूस, ठीक है, जंक्शनल, जंक्शनल न्यूवाई और जंक्शन न्यूस, तो हिस्टोपैथोलॉजी का टाइप है ये, हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे अपन। एक बात याद रखना, ये मोस्ट अग्रेसिव रहता है, मोस्ट अग्रेसिव, अग्रेसिव टाइप ऑफ द न्यूस है, मोस्ट अग्रेसिव, ठीक है। और इसकी जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अग्रेसिव रहता है पहली बात, दूसरी बात दिस इज द हाईएस्ट मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट रखता है, हाईएस्ट मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा न्यूज रहता है जो हाईएस्ट मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रखता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए है ना, इसके अंदर एप्ट्रोफंग फंग इफेक्ट दिखता है और ड्रॉपिंग ऑफ इफेक्ट दिखता है, एप्ट्रोफंग और ड्रॉपिंग ऑफ, मतलब ऐसा दिखता है कि जो न्यूस सेल्स हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए वो नीचे गिर रही हैं, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो वो उस इफेक्ट को बोलते हैं, ठीक है।
वो इफेक्ट दिखता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि कौन से में दिखता है जो इफेक्ट दिखता है अपने को, वो किस में दिखता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब यंग चाइल्ड यंग रहता है तो यंग में जो न्यूस होता है मोस्टली जंक्शनल न्यूस रहता है, तो वो एपिथेलियम बेसल सेल लेयर के अंदर रहती है। जो न्यूस सेल्स हैं वो बेसल एपिथेलियम के अंदर ही रहती हैं, बेसल लेयर जो रहती है उसके अंदर। और जैसे जैसे बड़ा होता है वो चाइल्ड से, उसके बाद वो मतलब चाइल्ड से टीनेजर में आता है, तो वही सेम जंक्शनल न्यूस की जो न्यूस सेल्स हैं वो बेसल एपिथेलियम से कनेक्ट टिश्यू के अंदर आती है, तो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही सेल धीरे 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 एडल्ट एज के अंदर वो क्या करती हैं, वो सेल्स और नीचे आ जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो उसको कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इंट्रा म्यूकोजल और इंट्रा डर्मल न्यूस में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जंक्शनल न्यूस है, तो ये बेसल लेयर में रहता है, तो बेसल से नीचे गया कनेक्टिव टिश्यू, सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो कंपाउंड में चेंज हो गया कंपाउंड, और कंपाउंड और नीचे गया तो ये इंट्रा म्यूकोजल में, इंट्रा म्यूकोजल और ओरल कैविटी में इसको इंट्रा म्यूकोजल बोल देते हैं, और स्किन पे इसको इंट्रा डर्मल बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली रहता है, कॉमन मोल रहता है, इंट्रा डर्मल बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज और है, अपने को लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ओरल कैविटी के अंदर कहाँ मोस्ट कॉमन लोकेशन कहाँ रहता है, ओरल कैविटी के अंदर न्यूस की मोस्ट कॉमन लोकेशन रहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन जो लोकेशन रहती है लोकेशन वो रहती है हार्ट पैलेट। ये भी क्वेश्चन है, वायो में पूछ सकते हैं, एमडीएस एग्जाम में, पीजी के अंदर एग्जाम में पूछ सकते हैं, और जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है, कभी कभी सेकंड मोस्ट कॉमन साइट भी पूछ सकते हैं ओरल कैविटी के अंदर, वो कहाँ है, बक्कल म्यूकोजा के अंदर दिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूस एक आता है, स्पीड्स न्यूस, जो कंपाउंड न्यूस का ही जैसा दिखता है, स्पीड्स न्यूस, ये क्या रहता है, इसके जो अंदर जो न्यूस सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप रहती हैं, स्पिंडल शेप, कंपाउंड न्यूस जैसा का पार्ट रहता है, स्पिंडल शेप रहते हैं बस। ठीक है, और इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल रहता है, किससे, मेलेनोमा से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल रहता है, बट इसमें एक इओसिनोफिलिक बॉडी पाई जाती है, इओसिनोफिलिक बॉडी इसको बोलते हैं केमिनो बॉडीज ये दिखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। ठीक है, उसके बाद में स्पीड्स न्यूस के बाद में एक और न्यूस है, बच गया अपना, वो न्यूस बच गया ब्लू न्यूस, जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द न्यूस है, ब्लू न्यूस जो होती है वो क्यों दिखती है ब्लू, याद रखने की चीज़ है, टिंडल इफेक्ट है उसकी वजह से दिखती है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ब्लू दिखती है। ठीक है, और जो इसकी लोकेशन रहती है बहुत ज़्यादा डीप रहती है, वेरी डीप इन डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू, ओरल कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इसके भी तीन टाइप रहते हैं, याद रखना बस कौन कौन से रहते हैं। पहला टाइप रहता है सेलुलर ब्लू न्यूस, नीचे लिख देता हूँ, इसके तीन टाइप रहते हैं, पहला टाइप रहता है सेलुलर ब्लू न्यूस और ब्लू न्यूवाई, दूसरा टाइप रहता है कॉमन ब्लू न्यूवाई, तीसरा टाइप रहता है एपिथेलियोइड ब्लू न्यूवाई। जो अपन बात करें ना, मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड मोस्ट कॉमन जो रहता है वो कॉमन ब्लू न्यूवाई दिखता है। ठीक है, एक चीज़ और रखना याद, वो क्या है, एक कार्निज कॉम्प्लेक्स होता है, कार्निज कॉम्प्लेक्स याद रखना बस, यही पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, कार्निज कॉम्प्लेक्स,
इसके अंदर क्या दिखता है, मिक्जुमास दिखते हैं, मिक्जुमा दिखते हैं। किसके मिक्जुमा? मिक्जुमा, मिक्जुमा भी एक ट्यूमर है, मिक्जोमेटस चेंजेस रहते हैं उसमें। तो उसमें क्या है, मिक्जोमा ऑफ स्किन, स्किन, हार्ट, लिप्स, ठीक है। और इनके साथ साथ, मिक्जुमा के साथ ओरल न्यूआई दिखती है, ओरल न्यूआई इन ओरल कैविटी और लिप्स के ऊपर, और सम एंडोक्राइन एक्टिविटी भी दिखती है। तो ये याद रखना, कार्निस कॉम्प्लेक्स, एक कार्निस सॉल्यूशन भी होता है जो अपन ओकेसी में यूज करते हैं नेक्रोसिस करने के लिए, जो क्योंकि ओकेसी जो रहती है अपनी उनजेनिक केराटोसिस्ट जो रहती है उसका रिकरेंस रेट हाई होती है, तो उसके लिए कार्निस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। वो अपन पढ़ेंगे कार्निस सॉल्यूशन भी, तो उसका क्या है, वो टिश्यू का जो एपिथेलियम रिमेनिंग एपिथेलियम रहती है उसका वो करा देती है, और जो सेटेलाइट जो सेल्स रहती हैं, जो सिस्ट रहती है उनका क्या करा देती है, नेक्रोसिस करा देती है, तो रिकरेंस के चांस कम हो जाते हैं, कार्निस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ये है कार्निस कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी, ये क्लिनिकल फीचर है, जिंजाइवा पे दिख रहा है, जिंजाइवा पे दिखता है, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो लोकेशन जिंजाइवा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पैलेट पे भी दिख सकता है, हार्ड पैलेट पे मोस्टली दिखता है, ये मोस्ट कॉमन साइट है ओरल न्यूआई की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, तो जो जंक्शनल और मैं समझाना चाह रहा था, जंक्शनल न्यूएस, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक्चुअली मेरे को कोई ये इंटरनेट से लिया मैंने, यहाँ पे मेरे को ओरल कैविटी का तो नहीं मिला, बट इंटरनेट का मिला है, तो इसका स्किन का मिला है, तो ये एपिडर्मिस है, ये वाला पोर्शन, ये वाला डर्मिस और ये हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो जो डर्मिस के अंदर है एपिथेलियम में अपन कर सकते हैं, बेसल सेल के अंदर ये जो न्यूएस सेल्स हैं, ये बेसल सेल्स के अंदर है, थिकस में मतलब ग्रुप के अंदर है, तो ये केवल बेसल सेल के अंदर है, इसलिए इसको जंक्शनल न्यूएस बोलते हैं, इसको जंक्शनल न्यूएस, ठीक है। इसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ इफेक्ट और एट्रोफन इफेक्ट दिखता है, ये याद रखना, ये इस इफेक्ट को बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे गिर रहा है, एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर और एपिथेलियम से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर गिर रहा है, इसलिए इसको ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कंपाउंड न्यूएस, ये सेल एपिथेलियम की बेसल लेयर के अंदर है, साथ साथ कनेक्ट सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दिखते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड न्यूएस। और इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक एपिथेलियोइड रहती हैं और एक स्पिड्स जैसी स्पिंडल शेप रहती हैं, उसको स्पिड्स न्यूएस बोलते हैं, ठीक है, इसी का टाइप रहता है, स्पिंडल शेप रहती हैं, उसको स्पिड्स न्यूएस बोल देते हैं, स्पिड्स। यही सेल एपिथेलियम या एपिडर्मिस से पूरी की पूरी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गई और डर्मिस के अंदर आ गई, इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल न्यूएस। और अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गई तो अपन ओरली क्या बोलते हैं, इंट्रा म्यूकोसल डर्मिस। ये डिफरेंस टाइप है, अभी मैं हिस्टोलॉजी देख रहा हूँ, ये देखो, ये एपिथेलियम है, ये पूरा एपिथेलियम है, ठीक है, नीचे का पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे बेसल लेयर के अंदर पूरी जो ये दिख रही है ब्राउन कलर की जो सेल्स दिख रही है, जितनी भी यहाँ पे दिख रही है बेसल सेल लेयर के अंदर, ये क्या न्यूएस सेल्स हैं, ठीक है, ये न्यूएस सेल्स हैं, ये अंदर आई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अंदर आ रही है बट आई नहीं है अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, जंक्शनल न्यूएस। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी है जंक्शनल न्यूएस की, ठीक है। ये कंपाउंड न्यूएस, इसके अंदर थोड़ी बहुत बेसल लेयर, ये बेसल लेयर के अंदर हैं कुछ कुछ न्यूएस सेल्स, यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं, बट सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूएस सेल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये है कंपाउंड न्यूएस, ये थोड़ा फोटो अच्छा नहीं है, ये है इंट्राम्यूकोजल, ये भी इंटरनेट से है फोटो, ये एपिथेलियम है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो पूरी की पूरी जो सेल्स रहती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दिख रही हैं, डीप कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूकोजल, ये है इंट्राम्यूकोजल, इंट्राम्यूकोजल, नेक्स्ट है ये स्पिड्स न्यूएस, ठीक है, ये स्पिंडल जैसी शेप्स की दिख रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दिखती हैं डीप, बट यहाँ पे क्या आती हैं, केमिनो बॉडीज दिखती हैं, केमिनो, ये लाइट इओसिनोफिलिक एरिया दिख रहा है, जो ये लाइट इओसिनोफिलिक एरिया दिख रहा है, ये लाइट इओसिनोफिलिक एरिया दिख रहा है, और इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मानते हैं कि एपोप्टोसिस हो जाता है, एपोप्टोसिस ऑफ मेलनोसाइट
और मे बी केरेटिनोसाइट, केरेटिनोसाइट्स, उसकी वजह से ये केमिनो बॉडी दिखती है। तो ये केमिनो बॉडी के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द मेलेनोमा, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन क्या दे सकते हैं, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन दे सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कभी कभी एमलगम टैटू, एमलगम टैटू जो होता है वो भी ऐसा दिखता है, न्यूस जैसा ही, बट वहाँ पे अपन रेस्टोरेशन, एमलगम रेस्टोरेशन पाया जाता है उसके आसपास, तो वो देख सकते हैं। दूसरा मेलेनोमा, मेलिग्नेंट मेलेनोमा, वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है इसका, ठीक है। ओरल मेलेनोसाइटिक मैक्यूल, ओरल मेलेनोसाइटिक मैक्यूल, ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ठीक है। तो ये डीडी है इसका। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में सिंपल है, वैसे ज़रूरत नहीं है अगर एस्थेटिकली कहीं हेड एंड नेक रीजन पे है और पेशेंट को लग रहा है एस्थेटिकली हेड एंड नेक रीजन पे अच्छा नहीं लग रहा, तो सिंपल ऑक्सीजन कर दिया और निकाल दिया उसको। या फिर कभी कभी अगर स्किन जो डर्मल न्यूमस है तो वो क्या इरिटेट करता है, कभी बेल्ट, जहाँ बेल्ट बांधते हैं उस रीजन में होता है, बेल्ट रीजन में होता है, बुटोक्स पे रहता है, बिटवीन द लेग्स रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है, वो इरीटेशन करता है, कभी कभी चलने में दिक्कत आती है, बैठने में दिक्कत आती है, बेल्ट पहनने में दिक्कत आती है, तो उसका भी सिंपल ऑक्सीजन करके निकाल देते हैं, ठीक है। बट ऑक्सीजन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी बायोप्सी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कभी कभी जंक्शन न्यूस है तो उसको कभी कभी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर मेलेनिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज करो और बायोप्सी करो। अगर प्रोग्नोसिस अच्छा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो प्रोग्नोसिस बैड है, तो उसके लिए हमें आगे रेफर करना पड़ेगा, पेशेंट को देखना पड़ेगा। सो ये था किसके बारे में, ओरल न्यूमस और ओरल पिगमेंटेड न्यूआई। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी आता है ओरल न्यूआई पे, नीट MDS में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये था ब्रीफ, ठीक है। तो कैसा लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर कोई भी टॉपिक डेंटिस्ट में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप बता सकते हो, अपन वो कवर कर सकते हैं। और ओरल पैथोलॉजी क्या है, ओरल पैथोलॉजी के अंदर बोरिंग, ओरल पैथोलॉजी बोरिंग है, ठीक है। दूसरा, ओरल पैथोलॉजी वीडियो बनाने का रीज़न क्या है कि जो हिस्टोलॉजी है ना, हिस्टोलॉजी समझ में नहीं आती, हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर क्या है, क्या कभी समझ में नहीं आता, थर्ड ईयर में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा इजी बनाने के लिए हिस्टोलॉजी पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं, पर अपन कोई भी वीडियो बना सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी बताओ, या कोई कंटेंट कैसा है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बता सकते हो, वो भी सजेशन दे सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।